तस्वीरों में एक और कुमारी शैलजा नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दरवाजे के बाहर कुछ लोग हंगामा करते दिख रहे हैं और तभी धक्का मुक्की शुरू होती है और फिर क्या था, गेट का शीशा टूटकर कुमारी शैलजा के सामने गिर पड़ता है। आपको बता दें, वीरवार को कुमारी शैलजा फतेहाबाद पहुंची थी, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जैसे ही कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की ओर गई तो अधिकतर नेता भीतर चले गए थे, लेकिन पूर्व मंत्री परमवीर सिंह और उनके समर्थक बाहर रह गए थे। और फिर क्या था, परमवीर सिंह और उनके समर्थक अंदर जाने को लेकर गेट पर नारेबाजी करते रहे और फिर धक्का मुक्की होती है, जिसके दौरान गेट का शीशा टूट जाता है और कांच उछलकर कुमारी शैलजा के नजदीक टेबल पर आ गिरता है। एक बार आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ था। अभी दो मिनट रुक जाओ, वो आ जाएंगे, बीच में इंटरप्ट होगा, एक मिनट रुक आने दो। अरे अरे किया। हालांकि बाद में कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। यहां पहुंचकर कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में टिकट वितरण को लेकर प्रदेश प्रभारी पर निष्पक्ष नहीं होने के आरोप लगाए। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में हम और बेहतर कर सकते थे और ज्यादा सीटें जीत सकते थे, टिकट वितरण में जनता की आवाज को नहीं सुना गया है और कई जगहों पर टिकट वितरण में गड़बड़ हुई है। कांग्रेस में गुटबाजी के बीच अब सीएम चेहरे को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है। इधर हुड्डा गुट के समर्थक सीएम चेहरे के लिए हुड्डा हुड्डा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब शैलजा की जीत के बाद एसआरके गुट में भी तगड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और फिलहाल हम ये भी कह सकते हैं कि सिरसा सीट जीतने के बाद कुमारी शैलजा भी एक अलग ही तीखे तेवरों में नजर आ रही हैं। वो अपनी जीत के बाद कई बयानों में प्रदेश प्रभारी पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं और इसी के साथ टिकट वितरण को लेकर भी कई सारे सवाल उठा चुकी हैं। अब देखते हैं कुमारी शैलजा के इस मुखर होने के बाद हरियाणा कांग्रेस के भीतर क्या कुछ होता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगड़ा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।